अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है ना सुबह सुबह कॉल वगैरह आती रही है, एक तुम दोस्त के थी और दोस्त यार रहती है कि तो मुझे टाइम से जाग आ गई है, तो अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। मैं नाश्ता वगैरह नहीं करता नहीं होता, चाय वगैरह सिंपल पीता हूँ, लेकिन आज जो है ना मेरी फेवरेट जो चीज़ है वो बनी है, तो जो ज्वार की कह लें, ज्वार की कहते हैं हाँ, मकई के ज्वार जो भी कहें ज्वार, उसकी जो रोटी ना तो वो दही में वो कहते हैं चूरा करके डाल के खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है, मीठी होती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा था कि आज मैंने बना के खानी है, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसे खाने में, तो वो खाते हैं। तो चाय भी मेरी गर्म हो गई है, चाय भी निकाल लेते हैं। चलिए ये भी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं जवार की रोटी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता भी कर लिया है, अभी जो दो भी फीस वगैरह डाल दो तो उनका पानी वगैरह भी चेंज कर देता हूँ और फीस वगैरह भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह को भी दाना वगैरह डाल दिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट करें थोड़ा सा। बस जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह ताला ऑटो शो पे भी जा रहे हैं, अगर वो भी वीडियोज़ आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन, और साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए जब मैं वीडियो डालूँ और आप वो वीडियोज़ भी देख सकें। इंशाल्लाह ताला और बहुत से ना कंटेंट जो है हमारे लिस्ट में है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम की सुबह मुझे कॉल आई थी तो वो कह रहा था मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डाकखाना जा पता करो पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए, अगर पहुंच गए तो रिसीव कर लो। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाकखाना, तो चलते हैं और पूछते हैं डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं और रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आपको डाकखाना भी दिखाते हैं समुद्री का, काफ़ी ज़्यादा पुराना डाकखाना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, तो आपको ये है जिस मूर्ति का डाकखाना, तो यहाँ से पता कर लेते हैं, हमें वो मिल जाती है अगर आप मिस करना है। अस्सलामुअलैकुम, यहाँ से नहीं मिली तो अभी डाके का नंबर दे रही है तो उससे कॉल करके पता करेंगे। तो ये है जिस मूर्ति का डाकखाना, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना डाकखाना है, तो इसके बाहर जो है ये बॉक्स भी लगा हुआ है जहाँ पर लोग अपनी डाक वगैरह डालते ना आगे, तो वो अभी यहाँ पर लगा हुआ है, तो अभी पता नहीं अभी डालते कि नहीं डालते, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से मिली नहीं है, तो चलते हैं। यहाँ भी अभी पाकिस्तान पोर्ट्स का जो है बोर्ड लगा दिया गया, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वापस। अभी जी कहा कि तो मौसम को मैंने नंबर वगैरह सेंड कर दिया और बता दिया कि भाई इस डाके से बात कर ला, तो तुम्हारा जो है डॉक्यूमेंट्स पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अगर पहुँचे होंगे तो वो तुम्हारी गाड़ी पहुँचा देगा, नहीं तो हमारे घर का बता देना, हमारे घर पहुँचा देगा। गए ऑटो शो कल है फैसलाबाद, लेकिन मैं अभी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करूँ, मुझे से मेरे से इंतजार नहीं हो रहा कल का। इंशाल्लाह ताला कल ऑटो शो पे जाना है। क्यों इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड क्यों, इसकी एक वजह है, तो जो तस्वीरें आ रही हैं ना सामने कि इस किस्म का ऑटो शो हो सकता है, कल जाके पता चलेगा किस किस्म का हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें वगैरह आ रही हैं तो वो देख के, तो यार आपने टोक्यो ड्रिफ्ट जो है मूवी देखी होगी तो मुझे वो याद आ रही है, तो इसलिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल वाला ऑटो शो देखने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें आ रही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एंड किस्म का जो है ऑटो शो होने वाला है। मैंने अपने व्लॉग में पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं अपनी जो है स्पोर्ट्स बाइक ये वाली बाइक नहीं लेके जा रहा ऑटो शो पे, तो मैंने कहा इसे नहीं लेके जाते, इसे यही पर खड़ा रहने देते। वैसे मैं अब भी सोच रहा हूँ यार इसे लेके जाना चाहिए था, लेकिन खैर है इसे यहीं पर सोच देते। अब भी जाना है हमने फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बनाया, तो फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, इसमें सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं इसलिए ये नहीं लेके जाएंगे। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो बन रहा है वो बन रहा है हमारी स्पोर्ट्स कार का, ये हमारी फ्यूचर की स्पोर्ट्स कार क्या कह रहा हूँ यार, हाँ कोई प्रोजेक्ट करेंगे इस पर भी जब इंशाल्लाह ये ना बाथरूम में हो गया हमारे पास। तो अभी जो प्रोजेक्ट अभी करने वाला हूँ तो वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा गंदी भी पड़ी है ये गाड़ी, तो आपको पीछे मेरे नज़र आ रही होगी, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो इसे थोड़ा सा धो देते हैं अच्छे से,
हल्का सा कपड़ा कप छपड़ा मार लेते हैं ताकि साफ हो जाए, और इसकी टायर की हवा वगैरह चेक करवा लेते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ है वो चेक कर लेते हैं, पानी वगैरह, ताकि इंशाल्लाह कल जब जाएँ तो गाड़ी हमारी रेडी हो। गाड़ी जी माशाल्लाह हमारी धुल चुकी है, तो जितनी मैं साफ़ कर सकता था उतनी मैंने साफ़ कर दी है, तो हल्की सी धो के तो कपड़ा वगैरह मार दिया तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई है, सिर्फ इतनी सी बात ही तो गाड़ी हमारी चमक रही है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, इसकी टायरों की हवा वगैरह चेक करवाते हैं, लग रही है कि थोड़ी है, और दिखाते हैं जाके। अभी मैंने कहा गाड़ी का पानी वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो रेडिएटर में तो पानी पूरा है, लेकिन जो है ना बोतल है ना वाइपर वाला जो वाशर है, तो उसमें विंड वाशर जो कहते हैं तो उसमें पानी नहीं है, तो उसमें डाल देते हैं, इसमें नहीं पानी है। चलें जी फुल हो गया। गाड़ी के अभी चलते हैं, गाड़ी की हवा वगैरह चेक कराते हैं, और इसका एयर फिल्टर चेंज होने वाला है, चेंज कर दिया, उसके हवा लगनी है तो साफ होने वाला है, तो वो भी साफ करवाते हैं। अभी स्क्रीन तो इतना तो विंड स्क्रीन कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, तो अभी थोड़ा सा ना वाइपर चला लेते हैं। चलें जी अब ठीक लग रही है। यार मैं तेनु हुने याद कीता यार। हाँ। मैं तैयार कर सुनने हैं, मैं तेनु याद कर नहीं बैठा। हाँ। मैं क्या पाई आ गया उन्हें मिलना यार। मैं आ गया देख ला। मैं यार अचानक देखी है तेनु, मैं आ गया पाई आ भी गया, मैं आ गया इन्हें चेता कर नहीं। सही है बात है, नहीं होता चल इन कर दें यार फिल्टर साफ कर देना बस। ओके ठीक है, ओके भाई आई लव यू। ये जो लड़का था ना, इससे मैंने टायर का पंचर लगवाया था पहले कभी आके, तो तब से मुझे जानता है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो बात कर रहा था यहाँ पे अभी भी गाड़ी का ना वो पंचर लगा रहा था, वो कह रहा था मैंने तुझे याद किया कि कब तू आए, तो मैं बताऊँ कि मैंने इस तरह टायर खोते थे ये सारी चीज़ें, तो वो कह रहा मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो वैसे गाड़ी वगैरह के साथ शायद चीज़ चेक करवा ली है हवा वगैरह, तो इस मेरी वाली साइड का ना अगले टायर की हवा काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो आगे गाड़ी आ गई अभी फिलहाल, पीछे कर लेते चलो। रश काफी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज हॉल है ना, तो शादी वगैरह का रश है यहाँ पे अभी। तो मैं बता रहा था कि जो मेरी वाली साइड वाला आगे का टायर है ना, उसकी हवा काफी ज्यादा कम थी, तो तकरीबन 20-17-18 पे पहुंची हुई थी, तो अभी कर दी है 28 हाँ 28 कर दी, तो अभी फिलहाल चलते हैं घर। चलें जी गाइस घर पहुंच गए, अभी शाम के तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, तो मतलब की भी कॉल आई थी कि आ जाओ पिक्चर खिंचवाने जाना है कहीं पे, तो फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे जाने लगे, तो बाइक भी मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा राइड करते हैं, तो थोड़ा सा चलाते हैं ताकि इसकी बैटरी वगैरह चार्ज भी हो जाए, क्योंकि तकरीबन 2 दिन हो गए घर निकाली नहीं थी, तो निकाल लें इसे निकाल लेते हैं बाहर। इस बाइक पर आप 3 जने
बाइक के दोनों जो है इंडिकेटर, ये तो पहले से टूटा हुआ था, तो ये वाला उतर गया, ये वाला लग जाएगा, इसे एल्फी के साथ लगा लेंगे। फिलहाल अभी हम आ गए हैं इस जगह पे, लोकेशन पे, तो यहाँ पे फोटोग्राफी होने वाली है, तो ये फोटोग्राफी करते हैं। तो मौसम की भी कॉल आ रही है, तो वो कह रहा है कि मुझे भी लेने हैं, तो उसे भी लेने चलते हैं। तो वैसे ना मेरी टांगे चोरी हो गई है यहाँ पे बैठ के, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कहा कि बाइक लेके आए हो, तो हम तीनों ने जाना, मैंने समझा कि इनके पास अपनी बाइक होगी तो मैं अपनी ले जाता हूँ, तो बस इस तरह का तजर्बा आज किया। अभी मैं जा रहा हूँ मौसम को लेने के लिए, तो ये अपनी पिक्चर वगैरह यहाँ पे खींच लें, तो मैं मौसम को ले आऊँ मुझे जा। गए अभी मैं आ गया अपने रूम में, तो बाइक मैंने खड़ी कर दी है। तो वैसे अभी मैं वीडियो देख रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा ना नुकसान हो जाना था बाइक का, तो जिस तरह की मैं हरकतें करता हूँ पागलों वाली, तो बाद में पता चला था कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। शुक्र है कि बच गया। तो जो इंडिकेटर से एक तो इंडिकेटर लग गया, दूसरा इंडिकेटर था वो ऐसे के साथ लग जाएगा। मेरी थोड़ी सी जुबान पकी हुई है, तो इसलिए ना थोड़ा सा ठीक से मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो इस तरह से जुबान में थोड़ी अटक रही है। खैर, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, बच गया हमारा। तो मैं शरारतें कर रहा था, तो आइंदा से ऐसी शरारतें नहीं करेंगे, और बाइक के साथ जुलम है वैसे ये वाला काम करना, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। तो बस यही व्लॉग था, काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया, तो मैं कह रहा हूँ यहीं पेंड करते हैं। और आज अभी हमें प्रोग्राम बनाना अपना कल वाले ऑटो शो का, तो कौन कौन जाएगा साथ वो इंशाल्लाह सुबह पता चल जाएगा। तो अभी हमने प्रोग्राम बनाना है कि कितने बजे निकलना है, तो मैंने वैसे भी अपने कपड़े वगैरह भी रेडी शेडी करने हैं, कौन से बैठ के जाऊंगा तो वो देखने हैं, तो प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा आज वाला ब्लॉग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।